सात दिन में कैसे दिलाएंगे अहिल्या गांव वालों को उनका गांव वापस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो फैसला तो सुना दिया अहिल्या ने कि सात दिनों में आपका गांव आपको वापस मिल जाएगा। तो उस फैसले के बाद जो भी तिलमिलाहट हुई है वो भी हमने देख ली, वो भी हमने समझ ली, मगर होगा कैसे इस पे चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जो नक्शा अहिल्या ने दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी एक एक बात को बारीकी से सबको समझाया है, सब लोग उससे खुश दिख रहे हैं, सबको उसका हल दिख रहा है कि कैसे करना है। जंगल है, आदिवासी हैं, जबकि उन्होंने अहिल्या ने क्लियरली बताया कि कैसे आदिवासियों पे हमला नहीं होता है बल्कि हमला होता है सिर्फ गांव वालों के ऊपर। तो ऐसा क्यों है? और एक ही रास्ता है जहां से आते हैं दुश्मन और हमला करते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक ही रास्ते के बीच में जो आता है वो आदिवासी की बस्ती भी आती है, मगर उनसे पंगा नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो जंगल का रास्ता है उसको और आदिवासियों को मिला के ये एक ऐसी सेना तैयार करेंगे अहिल्या, जो मुझे लग रहा है जो इनके सैनिकों के साथ मिलके जो दुश्मन है उसको वहां से खदेड़ देगी और जहां से दुश्मन इन पर हमला करता था उस चोटी पे ये खुद का कब्जा करेंगी। ये इनका बहुत बड़ा काम होगा मल्हार राव की एब्सेंस में, जो अहिल्या करके दिखाएगी। और इसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आपको पता ही है कि दो ऐसे चेहरे वहां पे हैं जिनका काम सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना है। और अगर अहिल्या ये कर देती है तो धनाजी सरकार पे सीधा सीधा सवाल आ जाएगा कि आप इतनी देर से क्यों नहीं कर पाए, आपने इतने दिनों से गांव वालों को उनके घर से बेघर क्यों रखा। तो इस तरह से अहिल्या इस सात दिन में गांव वालों को जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करेगी, सात दिनों में पूरी तैयारी करेगी जिसकी उसने शुरुआत कर चुकी है नक्शा बना के सबको समझा के। और जिस तरह से उसने तैयारी कर ली है उससे श्योर है कि सात क्या उससे पहले भी वो गांव वालों को उनका गांव वापस दिलवा सकती है। तो ये अहिल्या की तैयारी के लिए बहुत दिल खुश हुआ कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है उस फैसले को उन्होंने हवा में नहीं लिया है, उसके पीछे उनकी ठोस वजह है, कारण है। क्योंकि अगर आप हल ढूंढने जाओगे तो आपको हल मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपको आराम करना है कुछ हल्का फुल्का हल देके अपनी कुर्सी को सुरक्षित करना है तो वो भी आपको मिल ही जाएगा, जैसे धनाजी सरकार को मिला हुआ है। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये सात दिन में जो गांव वालों को गांव वापस दिलाना है कैसे अहिल्या करेगी, जो मैंने बताया आपको, और कैसे ये लोग उनकी रास्ते में अड़चन पैदा करेंगे। देखना मजेदार होगा दोस्तों कि अहिल्या अंत में जीतती ही जीतती है ये हमें पता है। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।